हमारा इंटरिम बजट 2014 में आया है, उसमें 500 करोड़ सरकार ने रखी है, लेकिन जब 2015 में बजट आया उसमें सरकार ने 2500 करोड़ रुपए हमारे लिए रखरखाव के लिए, माइग्रेंट कैंप बनाने के लिए और जितने भी टाउनशिप है उसको बनाने के लिए। प्राइमरीशिप पैकेज में अभी तक जितने भी बच्चे हमारे लगे थे, 1417 बच्चे लगे थे, यहाँ के गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने हाथ खड़े किए, हम दोबारा इसको इनको नहीं लगाएंगे क्योंकि 6000 का एक टारगेट था, बाद में हमारी सरकार ने इंटरवीन करके 6000 को उन्होंने प्राइमरीशिप पैकेज में रखा है। उसके अलावा जो हमारे बच्चों को कश्मीरी पंडितों के बच्चों का एडमिशन मिलता केंद्रीय विद्यालय में, वो एक टेम्परे एडहॉक पेपर था, लेकिन हमारी सरकार ने उसको पूरा किया, यानी कि हमेशा हमको ये एडमिशन वहाँ पर मिलेगा। जहाँ तक हमारे बच्चों का सवाल है जो कश्मीर में काम करते हैं, उनके लिए 6000 एकोमोडेशंस वहाँ पर बन रहे हैं जो अभी इन प्रोसेस है। मंथली रिलीफ दो बार हमारी सरकार ने बढ़ाया है और इसलिए आज 13000 रुपया पर मंथ हर एक को मिलता है। कुछ ऐसे मंदिर है कश्मीर में जो रियून हो गए थे, खराब हो गए थे, उनको हमारी सरकार ठीक करने जा रही है और बहुत सारे मंदिर को ठीक किया है। और जैसे मैं बोलूं, जैसे खीर भवानी है, शंकराचार्य है, मार्टंड है, उनको टूरिस्ट सर्किट में उन्होंने डाल दिया है।